आइए मैं दिखाता हूँ किसान और मजदूर को। यह कड़ाके की ठंड है, लोग अपने घर में दुबके हुए हैं, रजाई से बाहर नहीं आ रहे हैं, अलाव सेक रहे हैं, हीटर चल रहा है, लकड़ियों की अंगीठी है, उसके बाद भी वह ठंड का एहसास कर रहे हैं। लेकिन एक किसान मजदूर को हमने फावड़ा चलाते हुए देखा तो यहाँ तक मैं आ गया, और आप देख रहे हैं वहाँ से फावड़ा चलाते हुए यह मेड़ को ठीक कर रहे हैं, मेड़ डाँड ऐसे कहा जाता है। हमें लखीमपुर में यह पानी भी इसमें भरा जा रहा है और इसमें आहार भी ढूंढ रहे हैं लोग। भाई ठंड में भोजन तो चाहिए, बिना भोजन के काम चलेगा नहीं। अब बगुला को देखिए, अभी एक आहार मिला है इसको, थोड़ा सा आनंद लीजिए जीवन का। बहुत से लोग कहेंगे आप पका रहे हैं, लेकिन यार यह पर्यावरण परिस्थितिकी है, और एक जीव दूसरे जीव का आहार है। देखिए अभी एक उतरे हैं, जैसे हेलीकॉप्टर उतरता है वैसे उतर करके आए हैं। ये हमारे मजदूर भाई हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। यह खेत इनका नहीं है, खेत किसी दूसरे का है, कितना पैसा मिलता है इस पर भी हम बात करेंगे। तो देखा आपने, बको ध्यानम कहा गया है, बच्चों को कैसा होना चाहिए, विद्यार्थियों को। देखिए एक एक बकुला इधर दौड़ रहे हैं, बस इनको देखिए थोड़ा सा, हाँ अभी रुक गए हैं, फिर इनकी दौड़ होगी, ध्यान से देखिए। बको ध्यानम, अल्पाहारी, कम भोजन करने वाला हो और बगुला की तरह ध्यान रखता हो। स्वान निद्रा, यानी कुत्ते की नींद जैसी होती है वैसे नींद होनी चाहिए। बस आप केंद्रित किए रहिए कैमरा, और अभी यह झपट्टा मारेंगे, बहुत समय नहीं लगेगा, देखते रहिए। और इनकी दृष्टि है, हम लोगों की तरफ भी देख रहे हैं और फिर शिकार की तरफ भी दृष्टि है। तब तक है दूसरे बगुले की तरफ हम आपका ध्यान आकर्षण चाहेंगे। देखिए उधर दौड़ लगाया, ये देखिए मिल गया, इनका ध्यान देखिए, इनको देखिए एक मिनट, ये दौड़ लगाया, वाह। अब आप बताइए इनको शिकार मिला कि नहीं मिला, मिल ही गया होगा। हमने थोड़ा जूम करके इनको दिखाने का प्रयास किया है, अब इससे अधिक जूम नहीं हो सकता। उधर एक बगुला फिर दौड़े हैं, दौड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। खेत में पानी, और पानी एक देखिए फिर झपट्टा मारा, और ये अभी लगातार शिकार पर दृष्टि बनाए हुए बगुला भगत। इनके डहने देख सकते हैं, 2 फीट हो जाता है इनका फैलाने पर, चुपचाप बैठे हैं। दो लोग हैं और बिना ध्यान लगाए तो न पढ़ाई होगी न कोई काम होगा, ध्यान लगाना ही पड़ेगा। देखिए कैसे ध्यान लगाए हैं, हरकत होगी जल्दी ही। मेरे तरफ भी इनका ध्यान है और शिकार की तरफ भी, कुछ आगे बढ़ रहे हैं, पानी में चल रहे हैं, चहल कदमी करते करते लगा कि वहाँ कोई शिकार नहीं मिलेगा तो आगे बढ़ना है आगे। फिर बको ध्यानम, बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थिनः पंच लक्षणम। उधर टिटेरी भी है, देखिए अब टिटेरी को हम दिखा रहे हैं, इन्हें आप देख सकते हैं, अब इन्हें देखिए, टिटेरी और बगुला एक साथ। बगुला की सैकड़ों प्रजातियां हैं
और लगभग विश्व में अनेकानेक देशों में यह पाए जाते हैं। अब जो श्रमिक हैं उनसे हम बात करते हैं, चल रहे हैं उनकी तरफ। भैया ये किस चीज का आप फसल लगाता है इसमें? गन्ना था ना? गन्ना। देखिए गन्ना ये है और गन्ने की जो पेड़ी होती है उसे जोतने में ट्रैक्टर की ऐसी की तैसी हो जाती है, बड़ी ताकत लगती है। यह देखिए इसमें से फिर जम रहा है। तो कितना पैसा आपको मिलता है? 200 की दिहाड़ी है। 200 रुपया दिहाड़ी पर? यहीं के रहने वाले आप हैं? गाँव में रहना। अच्छा, इसी गाँव में। शौचालय बना है आपका? नहीं बना। नहीं बना है? अच्छा, मनरेगा वाला कार्ड है? नहीं बना। वो भी नहीं बना है। तो शौचालय लोग बाहर जाते हैं शौच के लिए? बाहर जाते हैं। नहीं बना है? ये कौन सा विकास खंड, ब्लॉक कौन सा है आपका? मोहम्मदी विकास खंड है और शौचालय इनका नहीं बना है। ये श्रमिक हैं, दूसरे के खेत में काम करते हैं और इनको एक दिन का 200 रुपया देते हैं। खाना पीना भी देते हैं कि? अच्छा, खाना दे के चले गए। किसका खेत है? सरदार का है। सरदार जी का। इधर आप देखेंगे पीलीभीत और लखीमपुर में काफी सरदार लोगों का वर्चस्व है, इनकी खेती बाड़ी है, पंजाब में भी है, यहाँ भी है। तो यह खेत में पानी बंद हो गया है क्या? आप बत्ती चली गई। अच्छा, लाइट चली गई है और इसलिए इधर लाइट काफी जाती है, मैंने देखा है। रात को भी जाती आती रहती है, दिन में भी रात में भी काफी कटती है। हम लोगों की अपेक्षाकृत लखीमपुर खीरी में, और नेटवर्क भी यहाँ बहुत जगह आपको नहीं मिलेगा, ना एयरटेल का मिलेगा। देखिए एक बार बगुला को फिर से चल कदमी करते हुए बढ़ रहे हैं और उधर की टिकली भी है, इधर की टिकली को एक बार दिखा रहे हैं तेजी से बढ़ते हुए इस तरह। हाँ देखिए तेजी से, अब इनका देखिए एक बार, ये है टिटिहरी खड़ी, ये खंजन आ गई है, खंजन। ये अभी अपना शिकार ढूंढ रही है। तो दोस्तों यह है पर्यावरण परिस्थितिकी, एक जीव दूसरे पर आश्रित है और लोग कहते हैं बताइए आप यही सब दिखाते हैं। तो दोस्तों अगर इन्हें कीट पतंग नहीं होंगे तो यह खाएंगे कैसे, इनका जीवन चलेगा कैसे? इसलिए आप इसे बुरा मत मानना, एक जीव दूसरे जीव का आहार होता है। टिटहरी अभी बोली भी। इधर हम आपको सरसों के खेत दिखा देते हैं। देखिए पीले पीले फूल लगे हुए हैं सरसों के, उस तरफ गन्ना है। और इधर कभी भेड़िया आता है क्या? कभी तेंदुआ आता है कोई जानवर? नहीं आता। तेंदुआ बाघ कभी आता है गांव में? इधर नहीं आता। इधर नहीं आता, इधर जंगल है, इधर नहीं आता। अच्छा, इधर जंगल कम है? जंगल कम है, जंगल इधर है। अच्छा, 5 किलोमीटर पत्ता है उसने। कभी देखे हो कि नहीं आप जंगल? तेंदुआ बाघ कभी देखे हो? कभी हमने तो देखा नहीं है। अभी कभी नहीं देखा, गांव में कभी नहीं आया ना। तो इधर थोड़ा जंगल की इलाका से हम बाहर के क्षेत्र में आ गए हैं। तो आपने यह देखा दोस्तों, और हमने दिखाया यह माद है। देखिए अब इसमें चूहा रहेंगे, चूहे की माद में सांप रहेगा, इसे भी आपने देखा। तो यह सब है जीव जंतु और खेती बाड़ी, देखने की जरूरत है दोस्तों। विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का सादर प्रणाम।